और रिसीव टू अपोजिट टीम। ज्ञानचंद पांडे जी, तकरीर खान बनकेपुर जी, अखिल पांडे, अर्जुन खान बीजी जी, प्रधान अमरपुर शैलेन्द्र वर्मा जी। अगर ताली बजाते रहे दोनों टीमें, ऐसे खामोश रहे जब इसे प्राप्ति के लिए कोई आए तो उसका सम्मान करने के लिए तैयार है। आप लोग जोरदार ताली में स्वागत करें। आज आप ताली बजाएंगे, कल को ऐसा दिन आएगा कल आपके लिए दूसरे खिलाड़ी ताली बजाएंगे जब आप उत्तर की श्रेणी में आ जाएंगे। नहीं, ये सिंगल फैटरवेट में 21 पॉइंट है। इस मैच में सिर्फ 21 पॉइंट है। 21 पॉइंट को बनाने वाले की मिले जा रही और ये क्वालिफाई कैसे गंगा देव एडवोकेट जी, कृपया आपके पक्ष में पहुंचे। इस मैच के निर्णायक है परवेश भाई और समय को देखते हुए मैच अविलंब शुरू कराए। अकरम भाई से अनुरोध है कि आप प्लीज उठकर अतिथियों का सम्मान करें। ये 21 का एक सेट है, दोनों कैप्टन माइंड मेकअप कर ले। 30 का एक सेट है, बहुत कह सका था आई के 25 का एक सेट, 25 का एक सेट होगा। ये हमारे रसिक भैया हैं जिससे आप संतुष्ट हैं, यहाँ से बिलोंग करते हैं। ये बीजेपी नेता हैं और वॉलीबॉल के बहुत शौकीन व्यक्ति, इसकी वजह से प्रतियोगिता होती है, हर जगह पहुंचते हैं। ये बलबम भाई चैनल ले है, अगला मैच खेले देखते हैं किसे सौभाग्य प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ये पूरे का मैच है और पूरे में ये टीम शामिल हो जाएगी। अभी बाहर है क्योंकि अरे पारा बजा रही है भाई, पारा बाजार के हाथ ऊपर कर दो थोड़ा। पारा बाजार पारा बाजार और उस साइड मैं तब तक जो भी प्रदर्शन करना है आपको मैच के दौरान करें। भाई प्रतियोगिता जो रखी जाती है उसमें आपके पास कितना हुनर है वो आप दिखाएं। गुरभत की कहानी को मैं आगे बढ़ा दूंगा, जो गुस्सा भी करेगी तो मैं उससे मुस्कुरा दूंगा। मोहब्बत एक तरफा हो तो फिर उसमें मजा क्या है, अगर बर्तन होगा देगी तो मैं खाना बना दूंगा। तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, होता बढ़ता है। मैं ऐसे यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो कि एग्रेसिव है, मुझे कोई उम्मीद है। सभी खिलाड़ियों से निवेदन है कृपया जल्दी से जल्दी तैयार हूँ और अंपायर से निवेदन है कृपया आप जल्दी जल्दी गेम को शुरू करो। अगर इसे कोई भी टीम जीती है तो इसे कोई भी टीम पूल ए में एंट्री कर लेगी और अगर पारा बाजार की टीम जीती है तो पारा बाजार की देखते हैं किसे इसको आगे प्राप्त होता है। मेरे बोलने यानी कि इससे ऐसा लगा कि जो सामने वाली टीम है वो देखने में थोड़ी हैंसी लग रही है, पर कुछ नहीं है, इसके सामने भरा हुआ गेंद है, कुछ भी हो सकता है। अरे जीतलाल भैया क्या मोबाइल आई नहीं और यहाँ से मोबाइल फिलहाल एक बार का दो हफ्ते पार खाता खुला है भाई पारा बाजार का। पारा बहुत खतरनाक चीज होती है, जब इसे चाट ली तो सासा दूर हो जाएगी। पारा बाजार नहीं, ये किसी हद तक बहुत बनाने में सफल हो गए वरना ये और क्या कर दिया चले चले के बाद क्रिकेट में वो देख ले किसीपुर प्रतापगढ़ वर्सेज पारा बाजार के बीच मुकाबला चलता हुआ
चढ़ेरिया क्रिकेट प्रतियोगिता का दूसरा लीग मुकाबला मैच लगा है टीम आया है उस साइड जो टीम है वो पारा बाजार की टीम है और जो इस साइड जो टीम है ईसीपुर की टीम है अभी हैप्पी निशांत जैसे खिलाड़ी पच्चीस का एक सेट है दोनों टीमें संघर्ष करती हुई देखना होगा कौन सी टीम विन होती है वक्त बताएगा जो टीम जीतेगी वो प्रतियोगिता में बनी रहेगी और जो टीम हारेगी वो प्रतियोगिता से निश्चित तौर पर बाहर हो जाएगी ये पारा बाजार की बात करें काफी दूर से टीम आई है और ईसीपुर की बात करते प्रतापगढ़ से आई है ईसीपुर ढका है प्रतापगढ़ दोनों टीमें अपने में बहुत ही बढ़िया वहाँ शानदार अटैक था लेकिन आउट मार गए इनका अंदर भेजो रवि अंदर रवि का अंदर कही जाए इनका आगे बला पढ़ ले
चनेरिया अमेठी वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2023 का दूसरा लीग मुकाबला चलता हूँ। अरे हाँ तुम चेक रही यार, ये तो देखे पर हाथों क्या तो सुबह के बाद पहला टाइम आउट लिया है इस रिपोर्ट का ही है प्रतापगढ़ ने। लेकिन मैच इतना तगड़ा तगड़ा कराओ थे बहुत ही शानदार तरीके से पॉइंट लिया निशांत ने। कोर्ट चेंज हो चुका है, एक ही सेट का यह मुकाबला है। अब पारा बाजार की टीम उत्तरी कोर्ट पर और ईसीपुर ढेकाही प्रतापगढ़ की टीम दक्षिणी कोर्ट पर। हाईपी के द्वारा शानदार पॉइंट लिया बराबर। एक पॉइंट और पारा बाजार। बहुत ही फॉर्म में दिन लावा सोलह चौदह का स्कोर। हम जानते हैं हम ही है मन बदल देखने रिक्वेस्ट वही मैं बदल बदल क्या दोनों टीमें तैयार रहेंगी
दूसरा लीग मुकाबला चलता हुआ, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ पारा बाजार वर्सेस जीसीपुर ढेकाही के बीच। अठारह सोलह का स्कोर अठारह उन्नीस का स्कोर, अभी भी एक पॉइंट की बढ़त है बारह बजार टीम के पास। बीस अठारह, एक पॉइंट और चाहिए पारा टीम को जीतने का। क्षमा कीजिएगा, 25 पॉइंट का सेट है। बीस और बाईस का स्कोर, हम अलग से बनती है बहुत ही सुंदर इस मैच जिस्सू के द्वारा मार गया था। 23 बराबर पर
बहुत ही कांटे का मुकाबला चलता हुआ, 23-23 अंक बराबर है दोनों टीम के। टाइम आउट लिया है पारस टीम के कैप्टन ने, टाइम आउट का समय समाप्त होता हुआ अब दोनों टीमें पुनः तैयार। चौबीस 23 मात्र एक पॉइंट की जरूरत है ये सेट अपने नाम करने के लिए, केवल एक सेट, 25 का केवल एक सेट खेला जा रहा है। तो इस तरह से मैच को जीत लिया है पारा बाजार की टीम ने। पारा बाजार की टीम ने जीत लिया, 25 का केवल एक सेट था। चनेरिया वॉलीबॉल प्रतियोगिता अमेठी का दूसरा लीग मुकाबला था, इसको पारा ने जीता है।